आपने दोनों रेडिकल्स को, आपको पता है कि दो अलग अलग से रेडिकल साइंस हैं, अंडर द सेम रेडिकल साइन आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो आएगा 216। न्यूमिरेटर वैसे का वैसा। फिर यहां पहुंचने के बाद जो भी डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट के अंदर, उससे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर 216 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 216 का स्क्वायर रूट। फिर अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रहेगा, ओनली 216। अगेन यहां बाहर पड़े हुए 6 ने इस 216 के अंदर क्या होगी, कटिंग होगी, नीचे आ गया 36। ऊपर बच जाता है 216 ओवर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 36। 216 की वेक्टराइजेशन करते हैं तो बनेगी 6 रेज अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6। क्या फायदा हुआ, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो गया है जी, कैंसल, और हमारे पास बाहर आ जाता है 1 6, और 1 ये वाला जो 6 है वो क्या रह जाता है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 36, अगेन कटिंग 6 1 द 6 6 6 का क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। नेक्स्ट है, आपने सिंपल कंजुगेट फाइंड आउट करना है 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 का। कंजुगेट के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान हमारे पे जो रेडिकल का साइन है उसके साथ वाले जो साइन है आपने क्या कर देनी है, चेंज। यहां प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का। तो जस्ट और कंजुगेट को कैसे शो करते हैं, सपोज हमने z का नाम दे रहे हैं एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास z बार इक्वल आएगा 3 का स्क्वायर रूट 7 का बार। z बार का आंसर है प्लस के साइन को आपने माइनस से चेंज करना है। एमसीक्यू में सवाल आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास अगर x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है तो आपने 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 ओवर x कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। यहां फार्मूला आपने अप्लाई किया a माइनस b इनटू a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर बेटा क्या कर रहे हैं आप, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और रह जाता है 2। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज द आंसर ऑफ 1 ओवर x। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, आपने इधर भी क्या करना है, रैशनलाइज करना है। पहले आपके पास यहां LCM आ रहा है, LCM हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 LCM लिया, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई होती है, ये स्टेप हमारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, अब 1 ने स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 5, 1 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2 अब स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा, अब दोनों को जो अंडर द रेडिकल साइन लिखा हुआ है, दोनों नंबर्स को एक ही रेडिकल साइन में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 5 का 10 यानी कि स्क्वायर रूट 10 बन गया। फिर प्लस माइनस माइनस और 2 3 का 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरीके से दोनों ब्रैकेट्स को भी हमने मल्टीप्लाई करना है, इन दो ब्रैकेट्स को भी, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 बन गया, स्क्वायर रूट 5 आ गया, स्क्वायर रूट 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास माइनस का स्क्वायर रूट 10 आ गया, प्लस स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 आ गया, फिर हमने स्क्वायर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 6 आ गया। और नीचे क्या हो रहा है, a प्लस b इनटू a माइनस b का फार्मूला लग रहा है, बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमारे पास कटिंग हो रही है, देखिए स्क्वायर रूट 5 इस प्लस के स्क्वायर रूट यहां पे कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास a के लिखा हुआ है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल,
प्लस के रूट 10 माइनस के रूट 10 से कैंसिल। अब हमारे पास रह जाता है 1 स्क्वायर रूट 5, ये भी प्लस का है और ये भी हमारे पास क्या है प्लस का, तो टोटल स्क्वायर रूट 5 कितने हो गए प्लस के 2 हो गए। नेक्स्ट इसी तरीके से स्क्वायर रूट 6 माइनस का है, ये भी माइनस का है, टोटल स्क्वायर रूट 6 कितने हो गए कि माइनस के 2 हो गए। तो हमने लिखा 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, यहां पे अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल 5, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल क्या रह जाता है 3, इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है 2, 2 कॉमन ले रह जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 होल डिवाइडेड बाय 2, 2 ने 2 को क्या कर दिया है कैंसिल और आंसर आ जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। थैंक यू।